यस फुटवेयर कंपनी में काम करने वाली युवती ने कंपनी से निकलकर 3 मंजिला मकान से कूदकर जान दे दी, लेकिन युवती के गिरने के बाद कंपनी का कोई सदस्य बाहर झांकने तक नहीं आया। स्थानीय लोगों ने कंपनी पर कई तरह के सवाल खड़े किए हैं कि आखिर इतनी बड़ी घटना हो जाने के बावजूद कंपनी का कोई सदस्य बाहर झांकने तक क्यों नहीं आया। हरिद्वार की यस फुटवेयर कंपनी में काम करने वाली पिंकी ने कंपनी से निकलकर 3 मंजिला मकान से कूदकर जान दे दी, लेकिन इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद कंपनी का कोई सदस्य बाहर तक नहीं आया। स्थानीय लोगों ने बताया कि नवोदय नगर कॉलोनी टिहरी विस्थापित नाम से जानी जाती है। यहां पर किसी भी प्रकार की औद्योगिक कंपनी पूरी तरह वर्जित है, जिसका पहले भी समाज सेवियों ने विरोध किया था, लेकिन ये कंपनी यहां मनमाने ढंग से चल रही है। कंपनी में तमाम महिलाएं काम करती हैं, लेकिन कंपनी के सामने किसी प्रकार का कोई बोर्ड तक नहीं लगा है। लोगों ने कंपनी पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि अचानक बाहर निकलकर 3 मंजिला मकान से लड़की कूदकर जान दे देती है और लोगों की भीड़ इकट्ठा होने पर भी कंपनी के गेट का अंदर से ताला बंद रहता है। कंपनी से कोई भी कर्मचारी या मैनेजमेंट निकलकर बाहर नहीं आता है कि आखिर उसके यहाँ काम करने वाली युवती ने किन कारणों से कूदकर जान दे दी है। ऐसे में कंपनी पर कई तरह के सवाल हैं जो जांच के बाद ही सामने आएंगे। मौके पर पहुंचे समाज सेवियों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस मामले की सभी पहलुओं से जाँच कर रही है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है। हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।